ओलंपिक ईयर पे सर सबकी देशभक्ति जग जाती है। जी लास्ट जी टाइम पे 15 दिन पहले आके ऐड दिखा देंगे, जी है ना। बिल्कुल और बिल्कुल फिर उसके बाद अभी देखो ओलंपिक खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा, सबकी देशभक्ति खत्म हो जाएगी। गए पानी में, ठंडे बस्ते में फेंक दिया। अब मैं बोलता हूँ जेवलिन थ्रो करते हो, अच्छा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ऐसे बोलते हैं तो हाँ जी हाँ जी वो ही खेल। तो सर पहले तो यही नहीं पता था जेवलिन थ्रो होता क्या है, तो मैं कहता था जेवलिन थ्रो, तो कहते थे अच्छा वो जो बॉल होती है वो बॉल फेंकते हैं। मैं बोलता नहीं वो तो शॉटपट होता है कुछ, फिर अरे वो हाथ घुमा के ऐसे करते हैं। मन नहीं भाई वो डिस्कस होता है कि अच्छा वो भाला, महाराणा प्रताप वाला भाला। तो सर इतने भी अवेयर नहीं है लोग, उनको ये भी नहीं पता कि जेवलिन होता क्या है, देश में खेल कैसे हो जाएगा। सर नीरज चोपड़ा जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर वो जो कैमरे के सामने है वो ही कैमरे के पीछे है, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है, वो चेंज नहीं करता अपने करेक्टर को, अपने नेचर को, जैसा है वो सबके सामने है। एक तो नीरज की जितनी तारीफ हो ना सर उतनी उतनी ही कम है सर, मतलब सर मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। हर एक खेल की ताजा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए स्पोर्ट्स टुनाइट। नमस्कार विपिन कसाना जी। नमस्कार सर, कैसे हैं बस बस हम यहाँ पर ठीक हैं। आप कैसे हैं? सर? बहुत अच्छे हैं, आप बताइए। जी। और आपका दल खिलाड़ियों का वो किस प्रकार से कार्य कर रहा है? सर बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ, अभी तक काफी मेडल आए हैं इंडिया के एथलेटिक्स ने, तो मतलब चमत्कार ही कर दिया एक तरीके से। जी। विपिन कसाना जी, मैं एक बात कहूंगा आपके बारे में। आप जैसे युवाओं के नेतृत्व के कारण भारतीय, यदि हम कहें, खिलाड़ी खेल के मैदान पर जिस प्रकार से दिखलाई दे रहे हैं, पूरा देश आपको सलाम करता है, सलूट करता है आपके प्रयासों को कि आपने पूरी जिद के साथ, मेहनत के साथ, लगन के साथ मैदान पर अपने हुनर को दिखाया है, अपने खिलाड़ियों में जोश भरा है। आप लगातार अपने खिलाड़ियों और अपने दल के बारे में हमें बताएं। जी धन्यवाद सर। अभी मैं सर पैरा ओलंपिक के साथ पिछले 6 महीने से काम कर रहा हूं, और मेरे पास अभी 2 बच्चे हैं जो मेरे अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं, मिस्टर संदीप और नवदीप। संदीप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है F44 कैटेगरी का, जी। और यहाँ किसी कारण पता नहीं क्या हुआ, कुछ बता नहीं सकते, मगर उसकी परफॉर्मेंस कुछ अच्छी नहीं रही, मगर हम इससे सबक लेंगे इस कंपटीशन से और आगे अच्छी मेहनत करेंगे, कुछ आगे अच्छा करने की कोशिश करेंगे, कुछ प्लान में चेंज करेंगे। और अभी 4 तारीख को नवदीप का कंपटीशन है। हाँ जी हाँ जी, वो भी जैवलिन थ्रोअर है, और देखते हैं भगवान अच्छा करेगा, कोशिश करते हैं मेडल लाए देश के लिए। जी जी। सर विपिन जी, संदीप चौधरी जी से हमें काफी उम्मीदें थी। पिछले बार भी एक कदम से वे चूक गए थे, इस बार भी एक कदम से वे चूक गए हैं, तो कहीं ना कहीं हमें वह एक कदम जो आगे बढ़कर उन्हें पदक को छूना है। और आप जिस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं उनके साथ लगातार रहकर, ईश्वर आपको उतना बल दे, आपकी टीम को उतना बल दे, संदीप चौधरी और तमाम खिलाड़ियों में वो बल भरे कि भारतीय पदक आने वाले समय में हमारी झोली, हमारा जो खजाना है वो पदकों से भर जाए और पूरी दुनिया देखते भर रह जाए हमारे उन खिलाड़ियों को। और आपके नेतृत्व में हम लगातार आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे थे आपके ओलंपिक में जाने के पूर्व कि आपसे कुछ बात करें, चर्चा करें, और समय ईश्वर जी ने दिया है आपके साथ जुड़ने का। आपके और एक मित्र नीरज चोपड़ा जी के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर, उनकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या सुनना चाहेंगे उनके बारे में बताइए, क्या पूछना चाहेंगे? जी, आप उनके साथ काफी करीबी रहे हैं, काफी समय आपने उनके साथ साझा किया है, खेल के मैदान पर हो या खेल के मैदान के बाहर हो, उनकी कुछ यादें हमारे साथ साझा करें। सर वो जो कैमरे के सामने है वो ही कैमरे के पीछे है, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है, वो चेंज नहीं करता अपने करेक्टर को, अपने नेचर को, जैसा है वो सबके सामने है, वो जैसा दिखता है वो असलियत में वैसा ही है, वैसा ही मतलब सिंपल साधारण व्यक्ति है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात, वो बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। और सर ऐसे यदि इसी सोच का इंसान, जिस सोच के नीरज चोपड़ा हैं,
यदि इसी सोच से खिलाड़ी आगे बढ़ेगा तो देश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और मुझे लगता है नीरज के इस मेडल से देश के युवाओं में काफी जोश है, और उसी कारण हम ये टोक्यो में मैं फिलहाल हूं, और पैरालंपिक्स में हम देख सकते हैं एथलेटिक्स में सुमित ने भी काफी अच्छी थ्रो लगाई है, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, और ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नीरज के मेडल से हुआ है, ये उसी का प्रभाव है, लोगों में जोश है, जज्बा है, उतरते और सोचते हैं कि हमको भी गोल्ड लाना है। ये बहुत, मतलब ये मेडल इंडिया को बहुत कुछ देकर जाएगा सर, आने वाले भविष्य में आप, मतलब हम विश्वास नहीं कर पाएंगे हमारे पास इतने मेडल होंगे, खास तौर से एथलेटिक्स में। बिल्कुल विपिन खसाना जी, आपने और आपकी टीम ने भारतीय मैदानी खेल की बुनियाद रखी है, नींव रखी है, और आने वाले भविष्य में हमारी यह मेडलों की जो इमारत है बहुत ही सुंदर नजर आएगी। विपिन जी, यदि आपके पास समय हो तो आप अपने खेल के बारे में भी कुछ बताएं हमें। सर मेरा खेल करियर इतना अच्छा नहीं है जो मैं बता पाऊं यहाँ पे, मगर जितना भी है वो बस काम चला हुआ है। मैं सर 2 बार इंडिया रिप्रेजेंट कर चुका हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2 बार फाइनलिस्ट हूँ, बस किसी कारणवश मेरी बैक इंजरी के कारण सर मेरा मेडल नहीं आ पाया, अदरवाइज शायद मेरा भी मेडल होता सर। विपिन कसाना जी, जिस प्रकार से आपने बैक इंजरी की बात की, मैं यही आपसे जानना चाहूंगा, कितना दर्दनाक होता है जब आप जीत के करीब पहुंचते हैं और इस तरह की इंजरी आपको परेशान कर जाती है। सर ये तो सिर्फ एक खिलाड़ी, मतलब शब्दों में तो बयां कर नहीं सकता, मेरे को जो लगता है ये तो वो फीलिंग है जो बताई नहीं जा सकती सर, जो शब्दों में नहीं आ सकती। आप मेरे सर, अब मैं बताऊं आपको, मेरे 5 स्ट्रेस फ्रैक्चर थे सर बैक में जिस टाइम मैं कॉमनवेल्थ गेम्स गया था, और क्वालिफाइंग राउंड के बाद मेरी वो स्टेज हो गई थी सर, मैं चल भी नहीं पा रहा था, मगर फिर भी मैंने पेन किलर वगैरह लेके कोशिश की, और मतलब मैं थ्रो करता था उसके बाद मेरे को चक्कर आ जाते थे, और इतना ज्यादा पेन था, बहुत ज्यादा, मगर फिर भी सर वो इंडिया वाली फील होती है ना अंदर कि भाई अपने देश के लिए करना है, जब फौजी मर सकते हैं वहां सरहद पे तो आप क्यों नहीं कर सकते, तो उसी भावना के साथ सर मैंने किया, और मैंने 5th फिनिश किया वहां कॉमनवेल्थ गेम्स में, और मुझे अपने ऊपर इस बात को लेके काफी गर्व होता है कि मैंने अपना 100% दिया, मेडल आए ना आए वो तो सर ऊपर वाले की मर्जी है, अब हमारा काम होता है अपना 100% देना, और मुझे लगता है जहां पे भी जो भी कंपटीशन में इंडिया के लिए खेला हूं वहां मैंने 100% दिया है सर। बिल्कुल विपिन कसाना जी, आप एक खिलाड़ी के तौर पर मैदान पर थे, अब एक कोच की भूमिका में आप आ चुके हो खिलाड़ियों के साथ, तो दोनों ही यदि हम तराजू के पलड़े को देखें तो किस प्रकार से आप देखते हैं? सर कोच की भूमिका भी कम नहीं है, अभी संदीप का जैसे मेडल नहीं आया तो सर जैसे मुझे अपने लिए दुख होता था ना, मेरा मेडल नहीं आ पाया था सर, ऐसे ही सेम फीलिंग अभी है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मैं उस फेज से निकला नहीं हूं जो एक एथलीट वाला फेज था, उससे निकला नहीं हूं, और कोच बनने में शायद इतनी समझ आने में मुझे लगता है मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सर, क्योंकि कोच को ऐसे ही नहीं कि आप उठे और 1 साल 2 साल में आप कोच बन गए, आपको कम से कम 10-15 साल का एक्सपीरियंस चाहिए तब, मतलब कोचिंग एक बिल्कुल सर अलग है, आप खिलाड़ी वाली फीलिंग के साथ कोचिंग नहीं दे सकते सर, उसके लिए आपके पास पेशेंस होना चाहिए बहुत ज्यादा। नीरज चोपड़ा जी के चाचा जी भीम चोपड़ा जी हाँ भी जी हाँ जुड़े जी हैं इस कार्यक्रम में, उन्हें भी हम नमस्कार करते हैं। नमस्कार अंकल, कैसे हो जी? वे कुछ लिखे हैं, कह रहे हैं कि विपिन खुद एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, बस खुद नहीं बोल रहे हैं, ये तो हम भी जानते हैं। आपके चाहने वाले लगातार यही कह रहे हैं कि आप एक बेस्ट प्लेयर हो। अरे नहीं सर, ये तो उनका बड़प्पन है, अच्छे प्लेयर तो नहीं है मगर हाँ ठीक है बस। बिल्कुल, आपको मैदान पर जिस प्रकार से सभी ने देखा है, आपके खेल को देखा है,
और आप अब कोच की भूमिका में हैं। इंजरी की बात कर रहे थे हम विपिन जी, क्या आने वाले समय में भारतीय खिलाड़ियों को इस प्रकार की इंजरी से निकालने के लिए कुछ योजनाएं आने वाले भविष्य में आपके पास या आप कर सकते हैं? सर देखिए, अभी जैसे पहले की बात करें, 10 साल पहले की बात, तो हमारे खिलाड़ियों के पास ना तो स्पोर्ट्स फिजियो हुआ करते थे साथ में, ना कोई मैश्योर वगैरह, और कोई मतलब रिकवरी का इतना सिस्टम था नहीं पहले। जी अभी क्या है, अभी स्पॉन्सर्स काफी आ चुके हैं, जो अच्छा करता है उसको स्पॉन्सर मिल जाते हैं, और उनसे इतनी हेल्प हो जाती है कि पर्टिकुलर बंदे के पास, जैसे नीरज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, नीरज के पास अपना पर्सनल कोच दिया है गवर्नमेंट ने, स्पॉन्सर्स ने उसको एक अच्छा फिजियो दिया है, और उसके साथ मतलब सारी फैसिलिटीज हैं, एक डाइटिशियन होती है, और सब टाइम टू टाइम चेक होता रहता है, तो पहले से काफी इजी हो गया है सर खेल करना। जी जी यदि पहले बहुत सारी मुश्किलों के साथ खिलाड़ी यहां तक पहुंचता था, यदि अब क्या है, अगर जो खिलाड़ी कुछ करके दिखाता है तो गवर्नमेंट उसका सर पूरा साथ देती है, पूरा सपोर्ट करती है, काफी स्पॉन्सर्स आ चुके हैं इस फील्ड में भी, अब कमी नहीं है, बस बस कमी तो एक चीज की है, टैलेंट हमको ढूंढना है। अभी सिर्फ हम ऊपर ऊपर की जो क्रीम है सर उस पे काम कर रहे हैं, जी जी हमें बेसिक में डीप में जाके काम करना पड़ेगा, वहां पर अभी काम होना बाकी है सर। जी 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 बिल्कुल। मेरा अगला सवाल यही था विपिन जी कि जिस प्रकार से अन्य देशों की यदि हम बात कहें, जहां पर जापान हो, चाइना हो, यूएसए हो, वे ऑस्ट्रेलिया हो, वे अपने ग्रास रूट लेवल पे काफी काम करते हैं, जिसके माध्यम से ओलंपिक हो या अन्य खेल हो, काफी पदक उनकी झोली में दिखलाई पड़ते हैं। तो आने वाले भविष्य में भारत क्या कुछ ऐसा करे ग्रास रूट लेवल पर जाकर कि वहां से भारतीय टैलेंट उभर कर आए? सर सबसे पहले तो जो स्पोर्ट्स फंड है उसको बढ़ा देना चाहिए सबसे पहले, जी और जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेट कंपनीज को इसमें लाना चाहिए और उनको एक टारगेट देना चाहिए। जी हर जैसे फॉर एग्जांपल नीरज है, जी या कोई भी पुराना बड़ा एथलीट, जी उनको एक डिस्ट्रिक्ट दे देना चाहिए कि आप इस डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, आपको जो करना है यहां पे कीजिए, और आप सबसे अच्छा, आप एडमिनिस्ट्रेशन आप चला सकते हैं स्पोर्ट्स को लेके, है जी ना। जी तो एक खिलाड़ी जो खेल की भावना से काम कर सकता है ना सर, वो पढ़ा लिखा वो इंसान वो नहीं कर सकता। अब खिलाड़ियों को जॉब दे दिया आपने डीएसपी की, जी आपने उसे एसडीएम बना दिया, मगर खिलाड़ी सर उस पोस्ट पे जाके करेगा क्या? जी 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 आपने 15-20 साल जिस अपने खेल को दिए हैं आपके, वो तो खत्म हो गए, आपकी तो एक नई लाइफ शुरू हो गई। फिर जी आपने जी अपना एक्सपीरियंस कहाँ यूज किया सर? अब मैं हूं, मैंने 17 साल गेम किया, अब मैं कोचिंग फील्ड में हूं, तो कम से कम अपने फील्ड से जुड़ा हुआ तो हूं। अब मेरे को उठा के, मैं इनकम टैक्स में हूं सर, अगर उठा के मैं इनकम टैक्स में जाऊं वहां पे काम करूं, तो सर मेरे को वो किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जी बिल्कुल और मुझे लगता है मैं इस उम्र में तैयार नहीं हूं उस किताबें पढ़ने के लिए। तो जो खिलाड़ी है वो खेल की दुनिया में ही अपना बेस्ट दे सकता है, तो उसकी जो जो ये जॉब है वो खेल के ही डिपार्टमेंट में होनी चाहिए, जो मुझे लगता है, और वो ही जो टैलेंट को जो खिलाड़ी निकाल सकता है ना, वो कोई और अधिकारी या किसी और डिपार्टमेंट से नहीं निकलेगा सर। जी 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 बिल्कुल विपिन जी, आपके दिल में चलने वाले उन तमाम दर्द को हम महसूस कर रहे हैं। एक खिलाड़ी किस प्रकार से जूझता है, मैदान पर हो या मैदान के बाहर हो, भारत की पृष्ठभूमि यदि हम क्रिकेट को छोड़ दें तो अन्य खेलों के लिए लगातार हमारे सामने उस तरह के उदाहरण बने नहीं है। जैसे कि आपने अब बताया कि स्पॉन्सर्स आने चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। यदि हम भारत में देखें तो हरियाणा सरकार अब जिस प्रकार से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है, उसके बाद थोड़ा सा पंजाब, अन्य राज्य उस प्रकार से आ नहीं रहे हैं, तो उन राज्यों के लिए आप क्या कुछ कहेंगे? सर पहली बात तो जो दिखता है वही बिकता है। जी बिल्कुल हाँ जी, अब मोदी जी को देख लीजिए, वो कितने ज्यादा एक्टिव हैं, जी बिल्कुल है ना, जी और हमारे खेल को देख लीजिए, वो एक्टिव होने के बाद भी एक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि वो मीडिया में नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। जी बिल्कुल
तो मीडिया को, ये तो सर मीडिया का काम है फेमस करने का, एक्टिव होने का, ये आपका हमारा नहीं है। आपको हमको कितने लोग देख रहे हैं, देखो सर इस टाइम बस 28 लोग हैं, बस इस बराबर बात को सुनने के लिए, इस डिबेट को सुनने के लिए 30 लोग हैं बस, है ना। बराबर ये मैसेज पहुंचाने के लिए सर न्यूज चैनल्स को आगे आना पड़ेगा, स्पोर्ट्स चैनल्स को आगे आना पड़ेगा, और तब खेल प्रमोट हो सकता है। वरना सर नीरज को देख लीजिए, ओलंपिक होने से पहले 143K फॉलोअर्स थे उसके, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, अब ऑलमोस्ट 4 मिलियन फॉलोअर हैं। तो जी बिल्कुल जब नीरज चमका, जब मीडिया ने नीरज को दिखाया, तभी जी तो नीरज के फॉलोअर्स बढ़े, जी है जी ना, जी तभी तो बिल्कुल प्लेटफॉर्म आया। जी यदि सर मीडिया ये काम पहले से करता, तो नीरज जैसे 4-5 और मेडल होते हमारे पास। बिल्कुल किसी बिल्कुल को सर, मैं मेरे से पूछते हैं आप क्या करते हो, मैं बोलता हूं मैं जेवलिन थ्रो करता था, अब से आने से पहले, नीरज के मेडल आने से पहले, जी बिल्कुल अब मैं बोलता हूं जेवलिन थ्रो करते हो, अच्छा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा ऐसे बोलते हैं, तो हाँ जी हाँ जी वो ही खेल। तो सर पहले तो यही नहीं पता था जेवलिन थ्रो होता क्या है, तो मैं कहता था जेवलिन थ्रो, तो कहते थे अच्छा वो जो बॉल होती है वो बॉल फेंकते हैं, मैं बोलता हाँ नहीं वो तो शॉटपट होता है कुछ, फिर अरे वो हाथ घुमा के ऐसे करते हैं, मन नहीं भाई वो डिस्कस होता है, कि अच्छा वो भाला महाराणा प्रताप वाला भाला। तो सर इतने भी अवेयर नहीं है लोग, उनको ये भी नहीं पता कि जेवलिन होता क्या है। जी जी तो जी खेल में देश देश में खेल कैसे हो जाएगा सर? जी 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 सर मेरा मानना ये है, देश में खेल को बढ़ाना है तो मीडिया आगे आनी चाहिए, और जैसे स्कूल्स में, फॉर एग्जाम्पल आप 5th क्लास में हैं, तो उसको 6th क्लास में प्रमोट करने के लिए आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, है ना। जी जब जी आप एग्जाम क्लियर करोगे तभी 6th क्लास में जाओगे। ऐसे ही सर एक फिजिकल टेस्ट होना चाहिए हर क्लास के लिए, कि यदि आप ये फिजिकल टेस्ट पास करेंगे आपको तभी प्रमोट किया जाएगा। तो सर मेंटली और फिजिकली दोनों उनकी ग्रोथ हो पाएंगी बच्चे की, और जब बच्चे की ग्रोथ होगी, बचपन से उसे इम्पोर्टेंस पता लगेगी खेल की, तभी वो आगे बढ़ के सर कुछ खेल में आगे आएगा, और टैलेंट हंट अपने आप हो जाएगा, उसको अपनी काबिलियत बचपन से ही पता लग जाएगी कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मैं ये कर सकता हूँ। जी हमने तो गेम तब शुरू किया था सर जब हमारे पढ़ाई में बिल्कुल मतलब पासिंग मार्क्स ही आते थे, इससे ज्यादा आते ही नहीं थे, तो फिर हमें ऑप्शन ढूंढना था हम क्या कर सकते हैं, तो खेल में आए, अदरवाइज हमें पता ही नहीं लगता कि हम जैवलिन भी कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल विपिन जी, आपने कई सारी बातें की, और खासकर मीडिया से तो हम भी नाराज हैं जिस प्रकार से मीडिया अन्य खेलों को उतना प्रोत्साहन नहीं दे रही है। आपने बात की जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा के फॉलोअर्स बढ़े हैं, अन्य खिलाड़ियों को भी यदि हम देखें, हमारी नजर सभी खिलाड़ियों पर थी, पहले जिस प्रकार से उनके फॉलोअर्स थे, मेडल जीतने के बाद उनके फॉलोअर्स जिस प्रकार से बढ़े हैं, वो एक दर्द हमारे भी दिल में चल रहा है। लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय लोग हैं वे अन्य खेलों की तरफ उतना रुझान करते नहीं जिसकी की आवश्यकता है, प्रचार प्रसार की आवश्यकता है, और भारतीय जो खेल हैं अन्य उसे कहीं ना कहीं स्कूली क्षेत्र में यदि हम कहें बच्चों के मन में डाला जाए, खिलाया जाए और उन्हें आगे की तरफ लाया जाए। आपके मन में चलने वाले उन तमाम भावों को, उन तमाम दर्द को हम समझ सकते हैं, और ईश्वर से कामना यही करते हैं कि आपके तमाम सपने और आपके मन में चलने वाले तमाम विचार सार्थक हों। भारत का जो खेल है, भारतीय खिलाड़ी हैं, वे काफी बेहतरीन अंदाज में सभी के सामने नजर आए। जापान में इस समय आप हो, क्या कुछ चल रहा है वहां का, खेल के अतिरिक्त वहां के बारे में भी कुछ बताएं विपिन जी। सर मैं होटल में रुका हुआ हूं सर, मैं विलेज में नहीं हूं, अगर जो विलेज में होता तो आपको थोड़ा ज्यादा बता पाता, अभी मैं बाहर रुका हुआ हूं, मेरी एंट्री विलेज में नहीं है, तो मैं अभी ट्रेनिंग एरियाज में जाता हूं, अभी मैं ट्रेनिंग करा कर आया था अभी। हाँ जी, तो मैं ज्यादा नहीं बता सकता सर इस बारे में, मेरे को अलाउड नहीं है कहीं जाना। और भारतीय खिलाड़ियों का अभ्यास किस प्रकार से चल रहा है, कोई दबाव तो नहीं है अतिरिक्त कोरोना का वहां पर? सर कोरोना टेस्ट तो सर डेली है यहाँ पे, काफी टाइट है, मगर खिलाड़ियों को सर प्रेशर आउट करने के लिए हम मोटिवेट करते रहते हैं कि कुछ नहीं है मगर सेफ्टी से रहो। अभी अमित सरोहा जी हैं, उन वो कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो शायद उस कारण वो खेल खेल नहीं पाए,
तो ये प्रॉब्लम हो गई सर, हमारा एक मेडल चला गया। जी, वो बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उम्मीदें उनसे हाँ भी जी थी कि वे वहां पर काफी अच्छा करें, और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि वे बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएं, सुरक्षित रहें, सेफ जी हमारे सारे खिलाड़ी जिस सुखद अंदाज में गए हैं उसी सुखद अंदाज में वापस आकर। एक और सवाल, जिस प्रकार से पिछले 3-4 दिनों पूर्व ही नीरज चोपड़ा के नाम पर स्टेडियम को रखा गया था, ये कितना मोटिवेशन देगा आने वाले खिलाड़ियों के लिए? सर, ये बहुत ही अच्छा काम है सर। ये मतलब इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। जी, मतलब ऐसा कर दिया कि मतलब पूरे जीवन अमर कर दिया सर नाम। एक तो नीरज की जितनी तारीफ हो ना सर, उतनी उतनी ही कम है सर। मतलब सर, मैं अभी भी सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर। उस लेवल पे परफॉर्म करना, मुझे पता है सर, जब स्टेडियम भरा होता है तो मतलब कैसा लगता है। आप अपने देश को रिप्रेजेंट करते हो वहां पे, पूरी कंट्री आपको देख रही होती है, आपके आपके ऊपर उम्मीदें होती हैं। बहुत बड़ा काम किया है सर नीरज ने। जी जी विपिन जी, नीरज चोपड़ा जी के साथ हम भी संपर्क करना चाह रहे थे पिछले लॉकडाउन में, लेकिन उनका डेडिकेशन और उनका खेल के प्रति लगाव और एक निष्ठा जिस प्रकार से हमने देखी है, उससे हम भी हतप्रभ रह गए, और उम्मीद थी हमें पूरी तरह से कि उनका स्वर्ण पदक भारत के लिए आएगा जरूर, और हमने उनके साथ संपर्क करने की कोशिश की, बहुत जल्दी उनके साथ संपर्क की जाएगी आने वाले भविष्य में, खेल और खेलों को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ बातचीत करना आवश्यक है, उनकी भावनाओं को देश दुनिया के सामने रखना आवश्यक है, और आने वाले खिलाड़ियों के लिए उनको भी लाना आवश्यक है। जब से आप कोचिंग के क्षेत्र में आए हैं, आपने एक सवाल यहां पर किया था आपसे पूर्व, जिस तरह से अमरीश कुमार अदाना जी हमारे साथ जुड़े थे, आप उन्हें लाना चाह रहे थे पैरा एथलीट के लिए, तो क्या कुछ आपके मन में चल रहा है उनके बारे में? सर, मेरा उनसे यही पूछना था कि वो पैरा में आना चाहेंगे, क्योंकि सर पैरा में मुझे लगता है अभी भी अच्छे कोचेस की कमी बहुत ज्यादा है जी, सर। एक तो देश में एथलेटिक्स को ही कोई नहीं जानता और पैरा को तो कोई भी नहीं जानता सर। जो कोचेस हैं पैरा में ना, वो इतने अच्छे नहीं है सर, और जो हैं तो वो सर अपने फायदे के लिए हैं, बच्चों के फायदों के लिए नहीं है। जी, ये बात सुनने में कड़वी है, मगर लोग अपना फायदा ज्यादा देखते हैं, प्लेयर्स का कम। जी, आ, आ, बिल्कुल आपने सच्चाई बयां की है हमारे साथ इस कार्यक्रम के दौरान। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आने वाले भविष्य में अच्छे अच्छे कोचों को उभारने के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं आप, सरकार या अन्य क्षेत्र? सर पहले तो सर जो हमारे NIS है उसको अपडेट कर देना चाहिए उस कोर्स को सर। वो बहुत पुराना हो चुका है जो मुझे लगता है सर। जब गवर्नमेंट साई साई का वो कोर्स है सर, साई जब अपडेट नहीं करेगी अपने आप को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अपने आप को अपडेट नहीं करेगी तो कैसे कोचेज अच्छे आएंगे। और दूसरा सर, कोचिंग सर कोई 1-2 साल में नहीं होती ना पढ़ के होती। कोचिंग सर मेरे ख्याल से एक एक एक्सपीरियंस है सर। जितना ज्यादा आपके पास एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छे कोच हैं। जी, बिल्कुल किताब अपनी जगह है, जरूर पढ़ना चाहिए, मगर जो एक्सपीरियंस है सर उसका कहीं मुकाबला नहीं है। अगर आपको सबसे मतलब आपको कोचिंग करनी है, मुझे लगता है आपके जो वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस हैं वो जो उन्होंने जो किताब लिखी है वो पढ़ना चाहिए। जो उनका 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, आपको यदि इतनी मोटी बुक में मिल जाता है तो आपने उनके 15-20 साल ले लिए, जान जी लिया उन्होंने पूरी लाइफ में किया क्या है। तो किताबों में आप पढ़ना चाहिए किताबों को जरूर, मगर जो ग्राउंड में जाके जो फील है सर और जो समझ है, जो एक्सपीरियंस है सर, उसका कहीं मुकाबला नहीं है, वो किताबों में नहीं आएगा। जी, बिल्कुल विपिन जी, आप जैसे कोच की आवश्यकता है इस देश को आने वाले भविष्य को बेहतरीन बनाने के लिए, हम लगातार आपसे यही बात कर रहे हैं कि आप अपनी इस भूमिका में पूरी तरह से तटस्थ डटे रहना। एक दर्शक का सवाल कुछ देर पूर्व ये भी था कि राजनीति खेल को जिस प्रकार से प्रभावित करती है, आपने अभी जिस प्रकार से NIS की बात की है तो कहीं ना कहीं उसे अपडेट करने की बात की है, तो एक राजनीति कहीं ना कहीं इसमें क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? सर राजनीति नहीं सर, अभी हमारा मतलब
हमारी सोच ही नहीं है उस तरफ, खेल को लेके कोई सोचता ही नहीं है सर, राजनीति नहीं है सर, हम अवेयर ही नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं स्पोर्ट्स में। जो सभी नेता लोग हैं, राजनेता लोग हैं सर, वो सभी अपनी कुर्सी को लेके हैं बस, वो जनता के लिए वो सोचते हैं खेल में करेंगे तो क्या मिलेगा, और सब ओलंपिक ईयर पे सर सबकी देशभक्ति जग जाती है, लास्ट जी, टाइम पे 15 दिन पहले आके ऐड दिखा देंगे, है बिल्कुल ना, और फिर बिल्कुल उसके बाद अभी देखो ओलंपिक खत्म होगा, उसके बाद क्या होगा, सबकी देशभक्ति खत्म हो जाएगी, गए पानी में ठंडे बस्ते में फेंक दिया। अभी क्या है, अभी सबकी देशभक्ति जग गई है, अभी सब स्पोर्ट्स को लेके सब आ रहे हैं, सारे सारे जितने भी क्रिकेटर्स हैं सर सब पोस्ट डालेंगे, जी सभी जितने भी एक्टर्स हैं सभी पोस्ट डालेंगे, जितने भी नेता हैं सभी ट्विटर पे पोस्ट डालेंगे, सभी को अपनी अपनी चाहिए सर, अपनी मतलब अपने आप को फेमस करना है, किसी को खेल को फेमस नहीं करना सर, किसी को प्रमोट नहीं करना इस देश में, सभी को अपना प्रमोट करना है, हैशटैग में भी वो इसलिए डालते हैं ताकि लोग उन्हें जाने कि हाँ भाई इस फलाने आदमी ने खेल के बारे में ये कहा, फलाने एक्टर ने ये कहा, दे असलियत में खेल के लिए सर कोई काम नहीं करता देश में, हमारे जैसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, खेल से प्यार है इसलिए कर रहे हैं, जी, बिल्कुल विपिन आप जी, जैसे लोग हैं, आप एक मिनट आप बताइए सर आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, मगर एक प्यार है, एक जोश जुनून है खेल से जुड़े रहने का, इसलिए आप कर रहे हो सर। जी, बिल्कुल 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 विपिन जी, जिस तरह से एक आग आपके दिल में जल रही है, हमारे दिल में भी वो आग है जिसे हम हमेशा जला कर रखना चाहते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से नवजीत डिलोन जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वे भी आपसे कह रही हैं कि विपिन जी आप बहुत ही सत्य वचन कह रहे हैं इस कार्यक्रम के दौरान। कई खिलाड़ी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे भी सर देख रहे एक हैं। मिनट सर, अभी नवजीत के बारे में बताना चाहूंगा, अभी एक उनकी वीडियो आई थी, उनको स्पोर्ट्स मतलब जहां पे उनका कॉलेज है उनको अपने कॉलेज में ट्रेनिंग करने नहीं दी जा रही थी, तो ये तो बताओ, कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट होके भी आपको अपने ही कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं करने दी जा रही, तो सर इससे बड़ा क्या होगा, मतलब इससे बुरा क्या हो सकता है हमारे देश में सर। ये नहीं कहूंगा मैं ट्रैक नहीं है, पहले तो बहुत बहुत कम है ट्रैक, और जितने हैं सर वो मेंटेन भी नहीं है सर, उनके अंदर सामान भी नहीं है, कुछ नहीं है, मेंटेनेंस जीरो, 10 10 साल 15 15 साल से जो एक्सपायर हो चुके हैं, जो बनने हैं 10 साल पहले बनने थे वो अभी तक नहीं बने हैं सर, जी, बहुत बिल्कुल बुरी सर, सर बहुत बुरी स्थिति है, मगर देशभक्ति सभी की इस टाइम पे ही जग रही है, इस खेल को हो जाने के बाद किसी की देशभक्ति नहीं जगेगी। विपिन जी, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपसे यह वादा जरूर करते हैं कि जब भी स्पोर्ट्स टुनाइट या राजेश यादव की आवश्यकता पड़े खेल के लिए, खिलाड़ियों के लिए, राजेश यादव जी को आप जरूर कहें, हम खेल के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाते हुए लगातार आपकी उम्मीदों को प्रखर रखेंगे और इस ज्वाला को हम कभी बुझने नहीं देंगे। धधकती हुई आग को धधकता हुआ रखते हुए आने वाले खिलाड़ियों के लिए मशाल कायम रखेंगे और भारतीय ध्वज, जिस प्रकार से हमारे खिलाड़ी जो हमारे इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और हमारे साथ जुड़कर अपने सत्य वचन को कह रहे हैं, उनके लिए उस आग को जिंदा रखेंगे। और कुछ क्या लगता है आपको, वे बयां कर सकते हैं? सर मेरे पे वो मतलब बातें जो है घुमा फिरा के नहीं बोलनी आती, बस ये मेरे अंदर थोड़ी कमी मान लो या कुछ भी बोल सकते हो, जो मुझे लगता है ये बोलना चाहिए, जो दुनिया नहीं बोलती वो मैं बोल देता हूं। जी, बिल्कुल, ये दर्द हमें बयां करना चाहिए, लेकिन अब क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास आपके इन सवालों का। जिस तरह से आपका दिल, यदि मैं कहूँ, रूठा हुआ है, टूटा हुआ है, हमारा दिल भी उस इस समय दर्द में डूबा हुआ है, ये मैं आपके साथ बयां कर रहा हूँ। इस समय जबकि आप जापान में हैं, खिलाड़ियों के साथ बने हुए हैं, बंधे हुए हैं, भारत की उम्मीदों को बनाए रखा हुआ है और हमारे तमाम पैरालंपिक खिलाड़ी जो कि है वहां पर, वे काफी अच्छा कर रहे हैं
और उम्मीद जितनी थी उससे भी बेहतरीन करते हुए वे मैदान पर नजर आ रहे हैं, और भारतीय ध्वज जिस प्रकार से वे लहरा रहे हैं हम सबके लिए एक शान है, गौरवान्वित करने वाले हैं वे, और आने वाले समय में इसी तरह से वे बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और आप अपनी नई भूमिका को एक सुंदर अंदाज में ढाएंगे, सबके सामने ले आएंगे और बेहतरीन खिलाड़ी तराश कर भारतीय समंदर से निकालकर विश्व पटल पर रखेंगे। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं, ईश्वर से उम्मीद करता हूं, और आपके तमाम सपने विपिन जी मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं जो आपके दिल में चल रहे हैं, मन में चल रहे हैं, साकार हो। ईश्वर आपको बल दे,